मुंबई में दो रेस्तोबार में आग लग गई, लोग मारे गए। आग ठंडी भी नहीं पड़ी कि संसद के अंदर राजनीति की चिंगारी भड़क गई। शिवसेना और बीजेपी एक साथ सत्ता में है, लेकिन दोनों पार्टियों के सांसद एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगाते रहे जैसे गलती सिर्फ सामने वाले की हो। कुछ तय नहीं हो पाया कि गलत शिवसेना वाले हैं या बीजेपी वाले। ठीक वैसे ही जैसे कि बार बार होने वाले ऐसे हादसों के बाद भी तय नहीं हो पाता कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं होते। बीएमसी पर एक आरजे ने तंज कसा था, उन्हें इतना बुरा लगा कि आरजे को ही परेशान करने लगे। इस बार भी लापरवाही में बीएमसी का रोल साफ दिख रहा है। कोई बोले तो फिर उन्हें बुरा भी लगेगा, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते या कहें कि करप्शन और राजनीति का गठजोड़ ऐसा है कि इन्हें बदलने नहीं देता। इसी गठजोड़ को भरी संसद में खुद शिवसेना सांसद ने माना भी। माननीय राजनेता हैं, पुलिस है, प्रशासन है, और तीनों के गठजोड़ से पैदा होते हैं बगैर लाइसेंस चलने और मौत बांटने वाले ये पॉइंट्स। आखिर जिस रेस्टोरेंट को कई सारे नोटिस मिल चुके थे वो कैसे चल रहा था? हम उम्मीदें छोड़ना नहीं चाहते, हम खुद के अंदर नकारात्मक सोच पैदा करना नहीं चाहते। लेकिन आज की चर्चा इसी पर कि क्या मौत पर हो रहे इस मातम से हम कभी सबक भी ले पाएंगे? क्या मरने वाले आम लोग होते हैं और मारने वाले समाज के सुपर क्लास, और इसीलिए इस सिलसिले के थमने की कोई उम्मीद नहीं है? फिर भी कुछ उम्मीदों और समाधान की कोशिश में शुरू करते हैं आज की चर्चा। लेकिन उससे पहले अपना जन्मदिन मना रही खुशबू समेत तमाम उन लोगों के परिवारों से हमारी संवेदना जो अब हमारे बीच नहीं है। बेगुनाहों की जब जब मौत होती है उन लाशों पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड हादसे में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हादसे के बाद सूबे के सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी मौके पर पहुंचे, और हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोगों के निलंबन से मौके पर ही मौत का इंसाफ भी कर दिया गया। ये बहुत ही दुर्दैवी है जिस प्रकार से इसमें मृत्यु हुआ है, और इसकी जांच करने के आदेश बीएमसी कमिश्नर को दिए हैं। 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है। फॉर ट्रेजेडी टू हैपन हाउएवर लाइक देयर आर प्रॉपर्टी कार्ड्स प्लेस आउटसाइड एवरी बिल्डिंग, वी नीड टू गो वेरी हार्ड एंड स्ट्रांग ऑन दीज वायलेटर्स हूएवर इट मे बी, इवन इफ देयर इज पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम व्हिचएवर एंड विल। अब जरा आपको इससे आगे भी ले चलते हैं। सत्ता और सिस्टम के बीच गठजोड़ की पोल खोलती ही इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम इस पर आगे की चर्चा करेंगे। जल्द फायर को ऑडिट किया जाए, कमला मिल और पुलिस मिल नथिंग बट अ डेथ ट्रैप। इसलिए दोनों मॉल का स्पेशल ऑडिट हो। शर्म आती है ऐसे सियासतदान पर जो बेगुनाहों की मौत पर भी सियासी रोटियां सेकने पर आमादा हैं, और वो भी संसद के भीतर। कमला मिल्स कंपाउंड से जैसे ही लोगों के मरने की खबर आई, मुर्दा राजनीति की दुर्गंध भी आनी शुरू हो गई। जिन्हें जिम्मेदारी का एहसास होना था, जिनसे सवाल पूछे जाने थे, वही सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। वहां पर वो जो पब था, रेस्टोरेंट था, वो गैर कानूनी था, उसके पास परमिशन नहीं थी। इस प्रकार के कमला मिल कंपाउंड और बगल के फिनिक्स मिल कंपाउंड में आपको दे इस प्रकार के डजन तो होटल, रेस्टोरेंट, पब है। इनको परमिशन किसने दी, किस तरह से बनाया गया? इसीलिए तो मेरी मांग उल्टी है, मैं आगे चलकर बोलता हूँ। अच्छा, ये बड़े लोगों के अंदर होटल है, ये कोई छोटे नहीं, इनके भी दोस्त लोग है वहाँ, हमारे भी हो सकते हैं, पता नहीं। मैं इतना खुला हूँ इस रास्ते में, और मैं मांग करता हूँ इस पर इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए। हर कोई इस बात को जानता है कि बीएमसी में भ्रष्टाचार का दीमक सिस्टम को पूरी तरह से चाट चुका है, तो सवाल है कि फिर उस दीमक को हटाएगा कौन? इसे खत्म करने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं नेताओं की है, लेकिन शायद इसका एहसास सत्ता में बैठे लोगों को बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार की रोजाना घटना मुंबई महापालिका, उनके अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी, फायर ब्रिगेड ऑडिट नहीं होता है, उसी प्रकार से उसको परमिशन जो दी गई पूरा अनऑथोराइज था। इसलिए दोनों मॉल का स्पेशल ऑडिट हो, फायर इंस्पेक्शन हो, मैं मांग करता हूं इस पर इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जब तक न्याय, वो जो होटल है
वो किसी कमिश्नर के बेटे का होटल है, वो तो फिर बाद में कोई अधिकारी जांच करेगा, एक दूसरे को ढाक लेंगे। नहीं चाहता हूं मैं ये, एक बार कभी तो इसके जड़ पर जाना चाहिए। वैसे जो काम संसद में बीजेपी और शिवसेना के नेताओं ने किया उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। मौका सियासत करने का नहीं है, फिर भी विपक्ष को बीजेपी शिवसेना पर सवाल उठाने से परहेज नहीं है। स्थानिक प्रशासन के नेक्सस से ये सब कुछ चल रहा है। वेदर शेड इसकी परवानगी सिर्फ हम बारिश में दी जाती है, बरस के 12 महीने वेदर शेड है। रूफ टॉप की पॉलिसी अभी एग्जिस्टिंग में, फिर भी रूफ टॉप के ऊपर ये रेस्टोरेंट चल रहा है। इसका मतलब ही ऐसा है कि टोटल नेक्सस है। ये बात तो साफ है कि बिना परमिशन के पब और रेस्टोरेंट बीएमसी की सरपरस्ती में चलते हैं, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर धंधा करने में नेताओं के कई करीबी भी हैं, और यही वजह है कि अधिकारी ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते। इसके संकेत संसद में खुद शिवसेना और बीजेपी सांसदों ने दे दिए। बड़ा सवाल तो ये भी है कि जब सालों से सत्ता में बैठे लोग ही सिस्टम पर सवाल उठाएंगे तो जनता का क्या होगा? क्या जनता सिर्फ सत्ता का स्वाद चखने के लिए नेताओं को चुनकर भेजती है? बीएमसी पर सालों से बीजेपी शिवसेना का कब्जा रहा तो फिर ऐसे आरोप प्रत्यारोप क्यों? जब सत्ता में बैठे लोग ही पलड़ा झाड़ लेंगे तो सिस्टम को कौन ठीक करेगा? ये ऐसे सवाल हैं जो यकीनन न सिर्फ गंभीर हैं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। राहुल देव शर्मा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मुंबई। तो आपने देखा 14 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक यही चल रहा है कि आपने मारा, कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है कि आखिर यह हुआ तो क्यों हुआ। और एक और जो अजीब बात सामने आई कि कुछ लोग इस हड़बड़ी में भी दिखे कि ठीकरा फोड़ दें कि ये तो शॉर्ट सर्किट से हुआ, क्योंकि शायद शॉर्ट सर्किट बोलने से बहुत सारी लापरवाही छिप जाती है, बहुत सारी जो गड़बड़ियां थी जो कहीं ना कहीं आंखें मूंद ली गई उन गड़बड़ियों की ओर वो सामने आ जाती हैं। अगर शॉर्ट सर्किट बोलेंगे तो सब छिप जाएगा। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, प्रोफेसर श्रीराम खन्ना है, कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, शायना एनसी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की, डॉक्टर अंजलि क्वात्रा हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, राधिका खेड़ा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और इलियास खान हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। श्रीराम खन्ना साहब, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह की तस्वीरों से जो सबसे पहला सवाल एक आम आदमी को लगता है कि हम एक हाई एंड रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, और वहां जाकर हम इस बात के लिए भी श्योर नहीं है कि वहां पर हमारी जिंदगी महफूज है कि नहीं है। बहुत सारे नियम हैं, फायर सेफ्टी से लेकर कई तरह के लाइसेंस परमिशन, उस रेस्टोरेंट में वो सारे नियम प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एक आम आदमी जो वहां खाना खाने जाता है वो कैसे समझेगा इस बात को, और कैसे अगली बार जब आप और हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो इस बात की तस्दीक कैसे हो कि हम किसी ट्रैप में नहीं जा रहे हैं, हम किसी जोखिम में नहीं जा रहे हैं, हम एक सुरक्षित जगह जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है क्या इसका? देखिए, यह जिम्मेवारी प्रदेश सरकारों की है कि वो अपने क्षेत्रों में, अपने प्रदेशों में, उनके शहरों में, उनकी म्युनिसिपैलिटीज के अंदर की ज्यूरिसडिक्शन में जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं या जो खाने पीने की होटल चल रहे हैं उनकी फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट पूरी हो, कि उसमें फायर एक्सपर्ट्स का क्लियरेंस हो, फायर सेफ्टी का उनके पास सर्टिफिकेट हो, और आग को बुझाने का उनके पास सामान हो, फायर एस्केप हो, और ये सारी जो तमाम रेगुलेशंस हैं आग की दृष्टि से उसको इंप्लीमेंट करने के का दायित्व म्युनिसिपैलिटीज और प्रदेश सरकारों का है। तो सवाल उठता है कि क्या मुंबई की म्युनिसिपैलिटी और महाराष्ट्र की सरकार अपने दायित्व का निर्वहन कर रही थी? इस घटना को देख के लगता है कि सरकार और म्युनिसिपैलिटी दोनों आंखें मूंद के सो रही थी, और ऐसे रेस्टोरेंट मुंबई शहर में चल रहे हैं जो फायर सेफ्टी के दृष्टिकोण से पब्लिक के लिए अनसेफ हैं और जिसमें जान और माल का खतरा है। खन्ना साहब, और ये बड़े शर्म की बात है महाराष्ट्र सरकार के लिए और मुंबई की महापालिका के लिए, कि उन्होंने 15 लोगों के खून उनके हाथ पे चढ़ा है और 50 लोगों की जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनको नुकसान हुआ, उनकी जिम्मेवारी भी प्रदेश सरकार और म्युनिसिपैलिटी की है। सर, मेरा सवाल ये है, मर के कुछ बनेगा नहीं। सर, मेरा सवाल ये है, अगर म्युनिसिपैलिटी अपना काम नहीं करती, सर, मेरा सवाल ये करवाना पड़ेगा कि हम जब किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो कैसे इस बात की तस्दीक हमको पहले ही, रेस्टोरेंट बुक करने के पहले, वहां पहुंचने के पहले
हम ये तस्दीक कर लें कि वो कंप्लायंट है कि नहीं है, हर तरह की सुरक्षा के इंतजाम वहां है कि नहीं है, ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारे देश में है ही नहीं। देखिए, जब कोई रेस्टोरेंट चालू होता है किसी बिल्डिंग में, बिल्डिंग का नक्शा जहां पास हुआ है कमर्शियल यूज के लिए, होटल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, तो फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेशन उसके लिए मैंडेटरी है। उस बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन तब हो सकता है जब उसका नक्शा सही हो और उसको फायर सेफ्टी का क्लियरेंस मिल गया हो, और खासकर रेस्टोरेंट चलाने का भी जो लाइसेंस है फूड जो अथॉरिटीज म्युनिसिपल अथॉरिटी देती हैं, वो भी तभी देती हैं जब फायर सेफ्टी का उसमें प्रावधान किया गया हो और फायर डिपार्टमेंट ने उसका इंस्पेक्शन करके उसको सर्टिफिकेट दिया हो। तो रेस्टोरेंट खुला है इसका मतलब इसको फायर सेफ्टी मिल चुकी है, और अगर नहीं मिली है तो ये तो सरकार और म्युनिसिपैलिटी का दोष है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि आम रेस्टोरेंट में जाने वाला व्यक्ति पहले चेक कर सके कि क्या इसके अंदर फायर सेफ्टी क्लियरेंस है या नहीं है। और देश में कई ऐसे रेस्टोरेंट होंगे जिन जो फायर सेफ्टी के दृष्टि से सेफ नहीं है और उनको किया जाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर अंजलि क्वात्रा भी हमारे साथ हैं। अंजलि जी, आप बताइए, क्योंकि बहुत ही दुखद हादसा मुंबई में, बिल्कुल लोअर परेल में, एकदम हार्ट है कमला मेल, वहां पर इतने सारे करीबन 14-15 रेस्टोरेंट वहां पर होंगे, और इसमें जो हादसा हुआ आपने देखा, कई तरह की लापरवाही सामने आ रही है कि वहां पर फायर एग्जिट नहीं था और फायर का प्रॉपर लाइसेंस उनके पास नहीं था, जो रूफ टॉप रेस्टोरेंट उन्होंने खोला उसकी उनके पास अप्रूवल नहीं था। तो फिर क्या वजह है कि इन सारी लापरवाहियों के बावजूद, इन कमियों के बावजूद, वो आराम से बिल्कुल मुंबई के हार्ट में बैठ के वो रेस्टोरेंट चल रहा था, कोई रोकने नहीं आया? देखिए, मेरा जो काम है डिजास्टर मैनेजमेंट में समुदाय से जुड़कर है, और मैं इसमें मानती हूं कि जनता की भी कमी है, हमारे यहां जागरूकता की कमी है, सबसे बड़ी बात है। एक आम शिक्षित इंसान भी अपनी सुरक्षा के लिए खुद दायित्व नहीं लेता, और ये सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं, देखो अपने घर और अपने ऑफिस में भी हो रहा है। जब हमने अपनी सुरक्षा का नहीं सोचा हुआ तो हम रेस्टोरेंट में सुरक्षित हैं कि नहीं, इतना दूर तक सोचने वाले ही नहीं हैं। तो यहां सबसे बड़ी कमी जो है वो हमारे अपने समाज में ही है। ये एक जिसे कहते हैं सेफ्टी प्रिपेयर्डनेस, सुरक्षा की तैयारी, ये मानसिकता हमारे अंदर होनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो है, आप जो इस केस में देखा जा रहा है कि ये रूफटॉप पे था, और इसका तो पूरा जो बिल्डिंग मटेरियल जो इस्तेमाल सारे हुए हैं, ये सब ज्वलनशील पदार्थ थे, और आग, क्योंकि एक रेस्टोरेंट ऐसी जगह होती है जो सबसे अधिक खतरा, किचन जो इतनी बड़ी होती है और उसमें जो ज्वलनशील तेल वगैरह सबसे बड़ी आग का कारण है। और पूरे अगर आंकड़े देखे जाएं तो 30,000 के तकरीबन लोग मरते हैं आग लगने से। ये सब जानकारियां हम सबके पास ना होने से हम उसमें कभी भी इन्वॉल्व होते ही नहीं हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी, अगर ये आपकी सारी बातें ठीक है डॉक्टर अंजलि, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस स्पेसिफिक इशू को पहले एड्रेस करें तो शायद जो मौजूद सवाल है, जो चिंताएं हैं, वो सामने आ पाएंगी। शाइना इनसे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाइना, बहुत सीधा सीधा सवाल ये है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? दर है लापरवाही, सिस्टमिक फ्लॉज और फेलियर, जहां प्रशासन लालच में किसी को परमिशन देते हैं, वो परमिशन देने के बाद हमको पता चलता है कि किस, देखिए रेस्टोरेंट ओनर्स कुछ तकनीकी दिक्कत यहां पर शाइना एनसी की आवाज में यहां पर आ रही है, हम एक बार फिर उनके पास जाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इतने लोग अगर मारे गए हैं तो जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो आज संसद में बहस हुई, जो भाजपा के किरीट समैया है वो कह रहे हैं कि बीएमसी जिम्मेदार है, जबकि मजेदार बात यह है कि उसी बीएमसी के जो मेयर हैं वो बीजेपी के सपोर्ट से ही मेयर वहां पर हैं, तो उसके बाद सपोर्ट आप क्यों दे रहे हैं अगर वही कातिल है? इन सारे सवालों के हम जवाब लेंगे कुछ ही देर में, शाइना के पास एक बार फिर आएंगे। और राधिका खेड़ा, आप बताइए इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहां पर मुझे लगता है कि राजनीति से अलग हटकर हमको बहुत ही एक जिम्मेदार जवाब की उम्मीद करनी होगी
ताकि इस तरह के हादसों पर, इस तरह की घटनाओं पर कंट्रोल किया जा सके और कहीं ना कहीं हम हर बार शॉर्ट सर्किट से हो गया जी, जी वो तो रेस्टोरेंट वाले की लापरवाही से हो गया जी, ये बोल के पल्ला छाड़ने की कोशिश ना करें। देखिए जो शिवसेना बीजेपी की बीएमसी की जो सरकार है उनके पास सबसे ज्यादा बजट है बाकी स्टेट्स के हिसाब से, और ये पहली इस महीने में ही दूसरी दुर्घटना है। अभी कुछ दिन पहले एक और एक फरसन के दुकान पे यही चीज हुई थी, आग लगी थी और बहुत मौतें हुई थी, और इस साल में चार या पांच ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं जहां पे आग लगी है बीएमसी की लापरवाही की वजह से। और जहां तक कि जो बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने बताया कि जुलाई अगस्त सितंबर तीनों महीनों में अलग अलग तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई करी गई थी। जुलाई में नोटिस दिया गया था, अगस्त में डिमोलिशन हुई थी इस रेस्टोरेंट में, सितंबर में जगह सीज करी गई थी, और उसके बाद जब हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बीएमसी में जब उन्होंने इसके ऊपर कंप्लेन करी थी तो उनको राइटिंग में जवाब मिला था कि यहां पर दैट देयर इज नो वायोलेशन कमिटेड बाय एनी स्ट्रक्चर इन कमला मिल्स कंपाउंड। तो खुद जो बीएमसी है यहां पे क्या हो रहा है, खुद ही एक तरीके से उन्होंने नोटिसेस भेजे, हर चीज करी, वहां पे राइटिंग में देते हैं कि कुछ वायलेशन नहीं है, खुद के करप्शन हो, लापरवाही हो, हर चीज को देके भुगत कौन रहा है, यहां की जनता भुगत रही है, और ये एक बार नहीं है, कंटिन्यूसली हो रहा है। और जो भाजपा और शिवसेना है वो हमेशा हादसा होने के बाद एक्शन में आते हैं, उसके बाद वो जाके लोगों को सस्पेंड कर देंगे, पर ये जब चीजें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाई थी, नॉर्मल सिटीजन्स ने भी उठाई थी, मंगेश जी हैं वहां के सोशल एक्टिविस्ट हैं मुंबई में, उन्होंने भी ये चीज उठाई थी, लेकिन उनकी कंप्लेंट्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। और ये पहली बार नहीं है जब आम जनता भी नोटिस पे ला रही है, चाहे वो एल्फिनस्टोन रोड रेलवे स्टेशन वाली बात हो, तब भी जनता ने ये बात उठाई थी, लेकिन जो सरकार है वो सोती रहती है, वो देश के नागरिकों के बारे में, मुंबई के नागरिकों के बारे में या पूरे देश के नागरिकों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। तो इस सरकार को जागना है और लोगों की चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। और सवाल यह है कि इतनी अगर इनके खिलाफ चीजें करी गई थी, नोटिसेस दिए गए थे, जगह ब्लॉक करी गई थी, तो फिर भी वो पब कैसे चल रहा था, और 50 से ज्यादा वहां पे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके पास पूरे फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं है, वहां पे जो फायर ब्रिगेड थी वो तक नहीं जा पा रही थी। जब फायर ब्रिगेड के जाने की रास्ता नहीं है तो वहां पे इतने ऑफिसेज है, रेस्टोरेंट्स है, उस जगह को, एक कंपाउंड को क्लियरेंस किसने दी? तो ये तो एक दुर्घटना बिल्कुल रेडी बैठी थी और ये सबको पता था, फायर ब्रिगेड के वहां पे जगह नहीं है, ये चीज तो बीएमसी वालों को दिखी होगी, और कैसे उन लोगों को वहां पे काम करने दिया जा रहा था, उनको सील क्यों नहीं किया गया, किसका प्रेशर था? सरकार तो स्टेट में भी बीजेपी की है, बीएमसी में ये दोनों है, सेंटर में इनकी है, तो कहीं ना कहीं इससे पता चल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे वो गड़बड़ी हो, इसमें सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और कब तक वो सिर्फ बाद में रिएक्ट करेंगे? प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं लिया जाता जब सब चीज के बारे में पता है? क्या देश के नागरिकों की जान इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या है सरकार के लिए हमारी जान कई महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं चुनाव के टाइम पे? आपने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, लियास खान भी हमारे साथ है। लियास, ये जो इन्होंने एक बात कही कि पहले भी बीएमसी के पास शिकायत गई थी, जुलाई अगस्त सितंबर तीन महीनों में उन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई भी की, डिमोल्यूशन भी किया, लेकिन वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीएमसी कोई चीज पहले से दिखाई क्यों नहीं देती है? इन लोग सर, इन लोग है ना, महानगर पालिका के अधिकारी लोग डेमोलिशन के नाम पे, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ दो छोटे खड्डे करते, डिस्को हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, हुक्के पार्लर में सिर्फ दो छोटे खड्डे करते, फोटो खींचते और लाके दिखा देते कि हमने डेमोलिशन किया, जिसकी 60-70 हजार रूपये जो जूनियर इंजीनियर की सैलरी है वो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में घूम रहा है, रोलेक्स ओमेगा की घड़िया पहन रहा है, मिस्टर परब हो गया और मिस्टर परब हो गया, इनको मैं चार महीने से कंटिन्यूस फॉलो कर रहा था, फिर उसके बाद में वार्ड ऑफिसर से मिला मैं, जबकि मेरे को हेल्थ डिपार्टमेंट से मेरे को आरटीआई के जरिए रिप्लाई आया है, क्या ये टोटली अवैध है, इस पर 7 दिन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए करके महानगर पालिका के अधिकारी जी साउथ के है, उनको लेटर जा चुका है, वही सेम लेटर मुझे मिल चुका है, फिर भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, सेम यही जी साउथ के अंदर आप देखेंगे क्यों नहीं करते कार्रवाई, क्यों नहीं करते कार्रवाई? इसका मतलब क्या ये है कि इसी तरह से अगर नगर पालिकाएं काम करती रहेंगी तो फिर तो हर बड़े शहर में इसी तरह की स्थिति देर सवेर हमको देखने को मिलेगी। और अब देखिए साल का आखिर आ रहा है, देश भर में पार्टी का माहौल बनेगा, रिश्तों में लोग होंगे, हुक्का पार्लर
किस तरह से मशरूम कर रहे हैं आप देख रहे हैं, हर हर बड़े शहर में हुक्का पार्लर खुल गए हैं, उनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं होता, सबको दिखता है लेकिन नगर पालिकाओं को प्रशासन को क्यों नहीं दिखता है? मैंने कंट्रोल पे कम से कम पता नहीं कितने कॉल किया रहूंगा, 100 नंबर पे कॉल किया, यहां इलीगल एक्टिविटीज चालू है, ओपन स्पेस जो जगह होती है पब्लिकों के सेफ्टी के लिए होती है वही इन लोग ने पूरा कैचअप करके रखे है, पब्लिक का सेफ्टी का तो कुछ है ही नहीं इनको परवाह, बस बीएमसी के अधिकारियों को पैसा चाहिए, होटल जो बना रहा है उनको उन लोग दे रहे, बांट रहे पैसा और अपनी मर्जी चला रहे इनको, जब ये इलीगल है तो मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में पूछा आपने इनको लाइसेंस इश्यू कैसे किया, इनको बियर बार का लाइसेंस है, इनको रेस्टोरेंट का लाइसेंस है, हुक्के के एनओसी है, कोप्टा एक्ट नंबर 28 में आप देख लीजिए, कोप्टा एक्ट में किधर भी नहीं बैठता है, लेकिन आप जो लाइसेंस और जो आप परमिशन दे रहे हो वो किसको दे रहे हो आप? प्रॉपर लीगल होना चाहिए ना जगह, अगर जगह ही इलीगल है तो उसको आप कैसा दे सकते हो? ये भी ऑब्जेक्शन मैंने उठाया, कोई सुनने वाला नहीं है। बीएमसी के वार्ड ऑफिसर लोग बोलते हैं हम लोग कार्रवाई करेंगे, सिर्फ मुझे यही बोला गया है, वरबना एक है कमला मिल में उसके ऊपर मैंने कंप्लेंट किया, मोजोस पे मैंने कंप्लेंट किया था, कभी भी हादसा हो सकता है, इतना बड़ा इलीगल स्ट्रक्चर इन लोग ने खड़ा कर दिए, भागने की कोई सेफ्टी नहीं है, उतरने की कोई सेफ्टी नहीं है, पब्लिक के जानो माल से खेल रही है रेस्टोरेंट के मालिक और इनको फुल सपोर्ट दिया जा रहा है बीएमसी से, सर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? सिर्फ यही बोलते हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई एक भी नहीं हुई अभी तक। लास्ट रिमाइंडर मैंने दिया हूं 20-12 को मैंने रिमाइंडर दिया हूं लेटर, क्या मैंने इतनी कंप्लेंट किया हूं अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, कब हुएगी कार्रवाई? या आप देख सकते हो मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस को भी मैंने दिया हूं कंप्लेंट, क्या मैंने इतनी सारी कंप्लेंट किया हूं आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई, ये रिमाइंडर था। ये सारी जो कंप्लेन है कमला मिल को लेकर थी या जनरल कंप्लेन थी? ये जो कंप्लेन थी कमला मिल कंपाउंड के अंदर जिस तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसको लेकर थी? ये सारी कंप्लेंट है जी साउथ के अंदर जितने इलीगल रेस्टोरेंट है, पब है, हुक्का पार्लर है, उनको लेकर है, सिर्फ जी साउथ वार्ड में जितने इलीगल सबसे ज्यादा, बॉम्बे में अगर कोई वार्ड के अंदर इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल शीशा, हुक्का पार्लर, बियर बार जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जी साउथ के अंदर ही चल रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है डॉक्टर अंजलि, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। लाउंज ठीक है डॉक्टर अंजलि, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। बाजू में ठीक है लियास भाई, आप आपदा प्रबंधन में एक्सपर्ट हैं और जैसा कि अभी हमको कांग्रेस राधिका भी बता रही थी कि वहां पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि फायर इंजन्स मौके तक पहुंच सके, वो तक का रास्ता जो था वो ब्लॉक था, अगर ऐसा था तो क्यों अब तक किसी ने अलार्म नहीं बजाया, और अगर वो नहीं है तो फिर दूसरा उपाय क्या है, क्या जलने के लिए छोड़ दे लोगों को? देखिए मैं जहां तक समझती हूं पूरे ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये समस्या तो पूरे देश भर में, हमारे दिल्ली में भी हम देखते हैं, यहां अर्बन विलेजेस में फायर ब्रिगेड क्या एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती है। तो ये एक पुराने टाइप की जो कंस्ट्रक्शंस और टाउन प्लानिंग हुई है ये सब में जो है जनता का हित नहीं देखा गया, और इसलिए ये पूरा नया सिरे से करना होगा। और सबसे बड़ी बात जो ये करप्शन वाली है कि इसके अंदर अभी भी म्युनिसिपैलिटी वाले या जो भी अफसर होते हैं, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जब रिश्वत ले लेते हैं और ये सब मंजर आता है सामने, तो सख्त से सख्त सजा, सेंटर में बैठा सरकार ये जरूर कर सकती है कि सजा इतनी सख्त कर दे कि वो इतना करप्शन तभी खत्म होगा, नहीं तो ये सब चलता ही रहेगा। अब इन्वेस्टिगेशन में भी करप्शन होगा और आगे भी करप्शन होगा, इसको रोकने का सबसे जरूरी एक रास्ता है कि सख्त कानून होना चाहिए, कानून हो और इसमें जनता की तरफ से भी मांग आनी चाहिए, जो मांग हो रही है कि पूरे मामले में सिर्फ लापरवाही का मामला ना चले बल्कि हत्या का मामला चले, ऐसे भी कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि गैर इरादतन नहीं हत्या का मामला चलाइए, वो तमाम लोग जो मिलीभगत में शामिल थे, वो तमाम लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि उन्होंने उसको फायर सेफ्टी का लाइसेंस दिया, अप्रूवल दिया, ओके दिया, कैसे दे दिया अगर वहां पर फायर इंजन तक नहीं पहुंच सकता है, तो कहीं अगर वो लापरवाही है तो भी उस हत्या के जिम्मेदार हैं, और अगर आपने भ्रष्टाचार किया तो भी आप हत्या के ही जिम्मेदार हैं। जब तक इतनी कड़ी सजा नहीं होगी तब तक शायद ये डर कि चलो कुछ पैसे खा के इनको अलाउ कर देते हैं ये खत्म नहीं होगा, ये सब चलता ही रहेगा, फिर कुछ दिन बाद हम कहीं और की चर्चा कर रहे होंगे। एक ब्रेक लेके फिर से हाजिर होते हैं।
28 दिसंबर की काली मनहूस रात को कोई भूल नहीं सकता, जिस वक्त मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड में आग लगी। उस समय कोई जन्मदिन का जश्न मना रहा था तो कोई अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गया था, लेकिन मानो मौत उन सबका पहले से इंतजार कर रही थी। सिस्टम की लापरवाही की एक चिंगारी ने कई लोगों को मौत के करीब पहुंचा दिया। जब जिम्मेदार लोग बेफिक्र हो जाएं, तो आग की भयानक लपटें ऐसी ही उठती हैं। खौफनाक मंजर मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड का है, जहां पर कई बेकसूर लोग सिस्टम की लापरवाही की बलि चढ़ गए। किसी के जन्मदिन की पार्टी मौत की पार्टी बन गई, तो किसी को डिनर के बदले मौत परोस दी गई। ज्यादातर लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला, और जो दरवाजों को तोड़कर भागने में कामयाब रहे वो खुशकिस्मत रहे। आग लगने के बाद उधर सिलेंडर के ब्लास्ट भी हो गए, जो ऊपर रेस्टोरेंट या बार पब था वहाँ पे, और उधर से आग के गोले इधर बरसने लगे, तो हमको यहाँ से आने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, कुछ निकल नहीं रहे थे। उसके बाद हम लोग ने ये पीछे का जो दरवाजा है वहाँ से हम लोग सब हमारे जो सहयोगी है उनको हमने बाहर निकाला। कमला मिल्स कंपाउंड में 3 पब हैं। आग सबसे पहले वन अबव रेस्टोरेंट में लगी। ज्यादातर हिस्सा बांस और प्लास्टिक का था, लिहाजा आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पास के 2 पब को भी अपने जद में ले लिया। मोजो बार में एक महिला की बर्थडे पार्टी चल रही थी, जबकि लंदन टैक्सी पब में कई लोग डिनर के लिए पहुंचे थे। अपनी जान बचाने के लिए ज्यादातर लोग एक वॉशरूम में छिपे, जहां से उन्हें निकलने तक का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है कि इनमें से एक रेस्टोरेंट के पास लाइसेंस तक नहीं था। इतना ही नहीं, मेन गेट के अलावा इमरजेंसी की स्थिति में बाहर निकलने का कोई रास्ता तक मौजूद नहीं था। अब जब बेकसूर लोगों की झुलसकर मौत हो गई, तो सत्ता में बैठे लोग बीएमसी पर जिम्मेदारी थोपकर ऐसे बच निकलना चाहते हैं जैसे बीएमसी से उनका कोई लेना देना ही नहीं। 2 चीजें होती है, एक तो उनको अनुमति देने की बात आती है, परमिशन की, तो जो भी उससे तालुकात रखने वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी हो, महापालिका हो, जिला परिषद हो, तो उनका उसके ऊपर ध्यान है कि नहीं? वो ध्यान नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। डजन डजन तो पब दिखाऊंगा, हुक्का पार्लर दिखाऊंगा, इस प्रकार के जितने ऐसे फर्नीचर है कि एक आग लगे तो एक आदमी नहीं बच सकता, और इसके लिए महापालिका के अधिकारी चंद पैसों के कारण लोगों की जान से खेलते हैं, एक्शन होनी ही चाहिए। तो सवाल है कि जब सत्ता में बैठे लोगों को बीएमसी में भ्रष्टाचार की जानकारी है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये हालात तब हैं जब मंगेश नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बीएमसी को 10 अक्टूबर 2017 को ही कमला मिल्स कंपाउंड में होने वाली अनहोनी के बारे में बताया था, लेकिन बीएमसी ने उस वक्त कहा था कि कमला मिल्स कंपाउंड में सब कुछ ठीक है, बावजूद इसके कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने गड़बड़ी की बात मानी थी। यानी ऐसा नहीं है कि बीएमसी को यहाँ की खामियों की जानकारी नहीं थी। जाहिर है ये हादसा नहीं है बल्कि सामूहिक नरसंहार है। सवाल तो ये है कि जिस पब में आग लगी वहाँ सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? इमरजेंसी की हालत में पब से निकलने का कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं था? जब सब कुछ ठीक था तो पब में आग बुझाने वाले यंत्र क्यों नहीं काम कर रहे थे? अगर एक पब के पास लाइसेंस नहीं था तो फिर वो किसकी इजाजत पर चल रहा था? जाहिर तौर पर बड़ा गुनहगार बीएमसी है, लेकिन वो लोग भी कम जिम्मेदार नहीं जो सत्ता में होने के बाद भी सिर्फ इस लापरवाही के लिए बीएमसी को कोस रहे हैं। राहुल देव, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मुंबई। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है और क्यों जितने भी जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल प्रशासन के लोग थे, चाहे बीएमसी हो, सरकार हो, सब आंखें मूंदे क्यों रही? वैसे एक सबसे अजीबोगरीब स्टेटमेंट जो आज सुनने को मिला इस हादसे के ऊपर, वो बीएमसी मेयर का है। मुंबई के मेयर विश्वनाथ महादेश्वर ने कहा कि मैं मुंबई में हर वक्त कहां क्या हो रहा है उस पर नजर नहीं रख सकता। श्रीराम जी, मुझे एक बात बताइए, कंज्यूमर का अपना एक अलग एंगल है, लेकिन वोटर्स जिन्होंने भी वोट देकर ऐसे कॉरपोरेटर को चुना, बाद में मेयर बन जाते हैं, इनके ऊपर अब किस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है कि अगर आप नहीं रख सकते जिम्मेदारी और नजर नहीं रख सकते तो फिर आप उस पद पर रहने के लायक ही नहीं है? किसके भरोसे है फिर मुंबई की जनता? देखिए, यह एक राजनीतिक सवाल है, यह एक राजनीतिक सवाल है कि ऐसे लोग चुने जाते हैं जो अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर पाते, तो उनको छोड़ देना चाहिए। अगर वो स्वयं नहीं छोड़ते हैं
तो विरोध पक्ष को मजबूती से उसको निकालना चाहिए, परंतु ये मामला राजनीतिक न रहकर इस समय लोगों की मौत का एक कारण बन गया है। अब इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो बीएमसी के ऑफिशियल्स हैं जिनके द्वारा लापरवाही की गई उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए और उन पर एक्शन होना चाहिए और उनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए कल्पेबल होमिसाइड के कि उनकी लापरवाही से लोगों की मौत हुई। और रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं जो इसमें डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं उन पर भी नेग्लिजेंस और क्रिमिनल कल्पेबल होमिसाइड का केस चलना चाहिए। जब तक आप सजा नहीं देंगे तब तक ये गलतियां दोहराई जाती रहेंगी और लोग सोचेंगे कि भाई लोग दो चार मर गए क्या है, अपना काम करते रहेंगे। बिल्कुल, जिनका गया वही जानते हैं इसका दर्द क्या है। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त शाइना एनसी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शाइना, वापस से मेरा सवाल वही है, उस वक्त आपका जवाब अधूरा रह गया था तकनीकी दिक्कतों से, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसजनक घटना है क्योंकि ये सिर्फ लापरवाही की वजह से हुआ है। हम सब जानते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन भ्रष्टाचार आरोप में लोगों को परमिशन देते हैं जो बुनियादी तौर पे नहीं देना चाहिए, जैसे कि ये बिल्डिंग में एक वेंटिलेटर यानी कि एक खिड़की तक नहीं थी, वहाँ फायर सेफ्टी नॉर्म्स को माना नहीं गया और इसलिए हमने देखा कि ये 15 जो लोग हैं उनकी देहांत हुई। लेकिन हमें इससे सीख ये लेनी है कि जो बीएमसी हो या जो पार्टी इन रूलिंग है वहां पर जो है शिवसेना, नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, तो ये उससे भी ज्यादा अफसोसजनक घटना है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिम्मेदारी के साथ साथ भागना ये बहुत ही कठिन है प्रशासन में जब आप है। और हम मानते हैं कि फ्लाउटिंग ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स, फ्लाउटिंग ऑफ फायर नॉर्म्स, ये सिर्फ एक कमला मिल्स तक सीमित नहीं है, रघुवंशी मिल्स हो या फिर फीनिक्स मिल्स, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां ईटरीज हैं, जहां कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, जहां हमें देखना है कि कड़ी कार्रवाई हो। शाइना जी, आपने कहा इसकी वजह लापरवाही है, अक्टूबर में ही बीएमसी की ओर से कहा था जब शिकायत गई थी कि कमला मिल्स को लेकर कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है, लोगों के पास अप्रूवल्स नहीं है, वहां पर खतरा बहुत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, हमने सब चेक कर लिया है। ये लापरवाही ही दिखती है या लगता है कि भ्रष्टाचार है इसमें? कैसे आंखें मूंद कर कह सकते हैं वहां पर इतना भी रास्ता नहीं कि फायर इंजन वहां तक पहुंच सके, आप अप्रूवल देते हैं, शिकायत पहुंचती है, फिर आप कह देते नहीं सब कुछ ठीक है, ये भ्रष्टाचार का मामला है। देखिए, जो एक लालच होती है, एक एपिटी होती है, एक भ्रष्टाचार होता है और एक ये समझना कि आप सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सभी चीजों के प्रति मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन 5 अफसर को सस्पेंड किया गया है, एक कल्पबाल होमसाइड नॉट माउंटिंग टू मर्डर के FIR दर्ज हुए हैं और जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था पब के ऊपर या पब के आगे पीछे, तो वहां भी कार्रवाई जरूर होगी। कि जो नेग्लिजेंस की आप बात करते हैं वो सभी के निमित्त भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और मैं मानती हूँ कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होता है तो हमें ये देखना है कि आइंदा ये कैसा न हो। शाइना जी, बड़े शहर में जहाँ हम जानते हैं कि इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, एक मैन मेड ट्रेजिडी। शाइना जी, मुंबई को बिना लाइसेंस, मुंबई को क्या एक ऐसा मेयर चाहिए क्या, बीएमसी को एक ऐसा मेयर चाहिए क्या जो कहता है कि मैं मुंबई में हर वक्त क्या हो रहा नजर तो नहीं रख सकता और इस तरह की लापरवाही उसी के दौरान होती है, भ्रष्टाचार जो दिखता है कि भ्रष्टाचार हुआ होगा वरना इस तरह की रिपोर्ट कैसे बनी, आंखें मुंदी कैसे रही, अगर उनके कार्यकाल में होता है तो उनको मेयर बने रहना चाहिए क्या? आपकी पार्टी का सपोर्ट है बीएमसी में उनको, शिवसेना को, उसी वजह से वहां मेयर है, वो सपोर्ट कंटिन्यू रहना चाहिए क्या? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये जो संवेदनशीलता के साथ एक महापौर को पेश आना चाहिए, उन्होंने बल्कि ये कहा कि मैं सब जगह कैसे जा सकता हूँ, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। पब जो फंक्शन करता था वहाँ वो बिना लाइसेंस था, वो नंबर वन। नंबर दो, एक ही एग्जिट था पूरे बिल्डिंग के लिए। नंबर तीन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, विंडो था ही नहीं और वेंटिलेशन के लिए कोई राहत थी नहीं, तो ये सब फ्लाउटिंग ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स हैं और जो बीएमसी हर एक चीज को नजरअंदाज करता है। आपका सपोर्ट रहेगा क्या उनको? क्वालिटी,
आपके फायर इक्विपमेंट भी नहीं चल रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं, तो जिम्मेदार कौन? और जो आप जिम्मेदारी के बारे में अपने हाथ ऊपर करना चाहते हैं तो आप महापौर का, ठीक है, कमियां तो सारी हैं, अब आपका सपोर्ट रहेगा क्या उनको, रहना चाहिए क्या? देखिए, ये सब बातों पे हम भटक रहे हैं। पहले हमें ये देखना है कि हमारे मुंबई में कॉरपोरेशन किस ढंग से काम करें, कैसे हम देखें कि आइंदा ऐसे हादसे ना हो, और जो ऐसे ही मैनिपुलेशन होता है। देखिए, ये मुझे भटकना इससे नहीं लगता क्योंकि आप ही के पार्टी के किरीट सोमैया कहते हैं कि बीएमसी इसके जिम्मेदार है, उसी ने मारा है, लापरवाही है। आप भी कह रहे हैं लापरवाही है, आप कह रहे हैं कि मेयर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बीएमसी में भ्रष्टाचार वाली बात भी आपने कही, तो फिर अगर इतनी कमियां हैं तो ऐसा मेयर क्यों चाहिए मुंबई को? क्या ये राजनीति नहीं है कि लोगों के सामने हम निंदा भी करते रहे, फिर सपोर्ट भी देते रहे और वो मेयर बने रहे? जरूर चर्चा कर सकते हैं क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आइंदा ऐसे हादसे न हो मुंबई शहर में। और बीएमसी कॉरपोरेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हमने बार बार देखा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन, इसका एक बड़ा बड़ा सवाल का जवाब मुंबई को देता है। और चाहते हैं तो हम ये भी चाहेंगे, चाइना जी, क्या ये लोगों की सिंपैथी लेने के लिए सिर्फ राजनीति हो रही है कि हम निंदा भी करेंगे, दोषी भी मानेंगे, कातिल भी कहेंगे, लेकिन सपोर्ट भी देते रहेंगे? सर, मैंने जो हम सपोर्ट दे रहे थे तो ये मान के चलिए कि हमारे ही सरकार, हमारे ही मुख्यमंत्री ने रोड स्कैम और पॉलिटिक कॉर्पोरेटर्स को जेल भेजा, तो ये कोई सपोर्ट नहीं होता है। जो हमें सत्ता में ही रहना था तो हम शायद सरकार में रहते हैं, हम बाहर बैठे इस मामले पर एक विजिलेंटिज्म के साथ देख रहे हैं कि हमारे मुंबई में जो गलत काम हो रहा है उसको एक्सपोज किया जाए। और जो इस मामले पर बताइए, आपने बाकी कॉर्पोरेटर्स पर किया होगा, लेकिन इस मामले में अगर आपको बीएमसी इतनी दोषी दिखती है तो फिर आपका सपोर्ट नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना तो फिर डिमांड होनी चाहिए ना? देखिए, मुख्यमंत्री ने पांच लोगों को पांच अफसर को सस्पेंड किया है। ये जो एविडेंस हम चाहते हैं, ये बीएमसी इंक्वायरी में हम उसके ऊपर ही निर्भर नहीं है। एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर के साथ साथ जो गुनहगार है उनको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के निमित्त बुक किया है। और जब आपको पता है कि चार नहीं, पांच नहीं, छह लैप्सेस हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ, यानी कि ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने फॉल्टी परमिशंस लिए, फायर नॉर्म्स नहीं पालन किया, जहां वेंटिलेटर नहीं था, जहां एक ही एग्जिट था, जहां हम जानते हैं कि किस ढंग से कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो मैं मानती हूं कि इसमें एक भ्रष्टाचार का भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और ये ये इन्वेस्टिगेशन के बाद सबके सामने जरूर पेश करना। ठीक है, यहाँ पर इलियास जी हमारे साथ हैं, आरटीए एक्टिविस्ट है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इलियास, बताइए। सर, जो ये वार्ड ऑफिसर जो थे जी साउथ के और बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे, उनको सिर्फ सस्पेंड करने से नहीं चलेगा, उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये ऑफिसरों के ऊपर एफआईआर नहीं होगी, इनके ऊपर सख्त कानून नहीं लगेगा, तब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। ये करप्शन 100% हुआ है, इन्हीं लोगों ने जान लिए। एंटी करप्शन ब्यूरो को भी मैंने कंप्लेंट लिखा हो, क्या करप्शन हो रहा है, इन लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे। कल को खुदा ना खास्ता कुछ बड़ा एक्शन, बड़ा कुछ अगर हादसा होता है तो सबसे पहला कई लोग इसमें अपनी जान गवा देंगे। छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं 18-20 साल के रेस्टोरेंट में, वो मर सकते हैं, वो उनके जान को धोखा हो सकता है। आप कैसे भी करके एंटी करप्शन ब्यूरो को ये लिखा था, इन अधिकारियों के ऊपर आप इंक्वायरी किया जाए, इंक्वायरी बिठाया जाए। ऐसे ही इंक्वायरी की बात तो कह रही है शाइना, इंक्वायरी की बात करके ऑफिसर है। सर एफआईआर करो ना, एफआईआर करने के बाद इंक्वायरी करिए, एफआईआर तो होनी चाहिए ना ऑफिसरों के ऊपर। जैसे कि एक सी वार्ड करके यहाँ पर हमारे बॉम्बे में मेरे घर के नजदीक है, सी वार्ड है, उसके वार्ड ऑफिसर का नाम है जीवक गेगड़मल। मेरे पास 150 कंप्लेंट मैंने डाला हूँ, 150 से ज्यादा कंप्लेंट डाला हूँ इलीगल स्ट्रक्चर के ऊपर।
आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही आरटीआई का रिप्लाई आया है। मेरे को अपील में जाना पड़ता है, अपील अगर मैं डालता हूँ, अपील में आज मेरा 3000 हो गया नंबर है मेरा, मतलब अगर मेरा नंबर आते आते मुझे एक साल लग जाएगा अपील के अंदर। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे भ्रष्ट ऑफिसरों के ऊपर पहले कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, और महानगर पालिका के अंदर सबसे बड़ा ऑफिसर है तो गेगड़वाल। ठीक है, राधिका कुछ कहना चाह रही है। जी राधिका, देखिए इस साल के शुरुआत में घाटकोपर वाली घटना हो, चाहे भिंडी बाजार की घटना हो, या इस महीने के शुरुआत में साकी नाका में आग लगना हो, और आज की जो घटना है, बहुत शर्मनाक बात है कि भाजपा और शिवसेना एक दूसरे के सर के ऊपर टिकरी फोड़ने का काम करते हैं। और सच्चाई ये है कि जिस बारे के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इस साल में चार बड़ी घटनाओं होने के बावजूद भी कुछ नहीं किया गया है। हर बार सस्पेंशन होती है, हर बार ये डिबेट्स होती है, हर बार बीजेपी के प्रवक्ता आके ये वादा करके जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे। अगर वो सच में उनको देश की जनता की जान की इतनी फिक्र है और हमारी लाइफ की इतनी वैल्यू है, तो अब तक वो सरकार अपना एक तो सपोर्ट पीछे ले चुकी होती शिवसेना से। ये बात बात पे कहना कि शिवसेना गलत है, कहीं ना कहीं भाजपा को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो इक्वली जिम्मेदार है, क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट है शिवसेना की सरकार को, और कार्रवाई उनको करनी पड़ेगी। बात बात पे हर घटना पे ये बोल देना कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और सिर्फ जाने जा रही है। आज ये हो रहा है, अभी 31 दिसंबर आएगा और बहुत सारी ऐसी जगह है जो बिल्कुल इसी तरीके से है। ठीक है शैला जी, इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन साथ ही एक बात और, किरीट सोमैया कह रहे थे कि पूरे मुंबई में इस तरह के इलीगल लेकिन लाइसेंस वाले बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो इन पर कार्रवाई करने के लिए अगर आपको लगता है कि बीएमसी कार्रवाई नहीं कर रही है तो क्या सरकार अपने इन पर कुछ नहीं कर सकती क्या? ये आवाज म्यूट करना होगा। देखिए सरकार अपना काम जरूर करते आ रही है, और देखिए सरकार अपना काम जरूर करते आ रही है। मैं मानती हूं कि आज जो आप एक घटने के बाद ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार रखेंगे, तो उससे अच्छा कि आप देखें कि ये अकाउंटेबिलिटी है किसका, शासन में बैठा कौन है, बीएमसी में बैठा कौन है, शिवसेना बैठा है, और उसके साथ साथ जो प्रशासन में जो ऑफिसर्स ने भ्रष्टाचार किया, तो मैं मानती हूं कि उनको भी गुनहगार आप ठहराइए। ये हमेशा ये सोचना कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या गलत किया है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्वायरी के साथ साथ तहकीकात और एफआईआर भी दर्ज की है। हम जानते हैं कि कॉरपोरेशन में जिस ढंग से भ्रष्टाचार होता था होता है, और शायद हम चाहेंगे कि आते हुए दिन में इस पूरे घटने से हमको एक चीज पता चले कि फायर हैजर्ड्स और फायर सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है। आपके पास फायर फाइटर मशीनरी नहीं, वहां आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, एक पब खोलना है, और आपके पास एक एग्जिट तक नहीं, तो ये सभी जो सवालों का जवाब है वो प्रशासन की तरफ से जरूर मिलेगा, लेकिन प्रशासन को ये भी साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने परमिशन दिया या नहीं दिया, दिया तो किस बहाने दिया, और जो भ्रष्टाचार था तो वो एंगल भी बाहर आना चाहिए। मैं नहीं मानती हूं कि सिर्फ एक के ऊपर तू मैं करने से कोई राहत होती है, क्योंकि जो 14-15 लोगों की जान गई है, तो ये जान गई है हमारी लापरवाही के वजह से और फायर सेफ्टी नॉर्म्स को न करते हुए। और शिवसेना जो जिसे हाथ ऊपर करके बोलना चाहती है कि प्रशासन में हम हैं लेकिन हमें पता नहीं था, तो ये कोई जवाब नहीं होता है। अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट, अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, एंड इफ दे हैव बीन करप्ट प्रैक्टिसेस दैट मस्ट बी एक्सपोज्ड। शैना जी, ये जो बार बार आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि क्यों हमको इस तरह के मेयर चाहिए, क्यों इस तरह की पार्टी हमको बीएमसी में चाहिए, इतना बड़ा हादसा होता है, उनकी लापरवाही साफ है, वो अपने हाथ साफ नहीं कर सकते, पीछे नहीं खींच सकते, और जब न्यूज चैनल वाले उनको बुलाते हैं किसी चैनल पर, वो आने से बच रहे हैं आज कि हमको इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना है। ऐसा कैसे भाई, जनता से वोट मांगने के लिए तो आप सब चैनलों पर आना चाहते हैं, जब इस तरह की लापरवाही से आपका भ्रष्टाचार सामने आता है तो आप सामने नहीं आना चाहते। इसलिए सवाल मेरा है कि ऐसे गैर जिम्मेदार पार्टियां, ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं का किसी भी सत्ता में होना जरूरी है क्या? क्यों आप उनको सपोर्ट करके बीएमसी चला रहे हैं? और किसी भी मेहमान के पास अगर टीवी का वॉल्यूम हो तो प्लीज म्यूट कर लें। सपोर्ट कर रहे थे तो हम सरकार में रहते। नरेश जी, म्यूट
नरेश जी, आपने तीन बार ये सवाल मुझे पूछा है और अब मैं चौथी बार जवाब दे रही हूँ। जो हमें सत्ता का मोह माया था तो हम बैठते सरकार में, हम बैठते बीएमसी के कॉरपोरेशन की कहाँ हुआ है गलत काम और उसको एक्सपोज करेंगे। वही बात कॉन्ट्रैक्टर्स हो, फॉल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स हो, आज जो जेल में बैठे हैं तो ये है देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक इच्छा शक्ति के वजह से। शिवसेना जो गलत काम करना चाहती है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार के आरोप में जो वो घिरे रहना चाहते हैं, तो वो जाने कि वो क्यों कर रहे हैं। हमें सिर्फ देखना है कि हमारे मुंबईकर को सुरक्षित कैसे रखें, फायर नॉर्म्स और सेफ्टी नॉर्म्स को फ्लाउट कैसे न किया जाए, और ऐसे जितने भी पब्स और रेस्टोरेंट्स हैं पूरे मुंबई में जहां एग्जिट नहीं, जहां वेंटिलेशन नहीं, जहां फायर इक्विपमेंट नहीं है, जहां बेसिक अमेनिटीज नहीं है, वहां आप आपके क्लाइंट्स, कंज्यूमर्स और कस्टमर्स के साथ जो अन्याय कर रहे हैं वो उजागर करने की आवश्यकता है। आज ने बहुत सारी बार ये मुद्दे उठाए, बीएमसी ने नजर रखा। शाइना जी, जो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन दोनों एकजुट मिले घुले हैं और ये भ्रष्टाचार के आरोप में गिर्द हैं, तो मुझे लगता है ये सवाल आप उनसे पूछे तो वो बेहतर। शाइना जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आपने चौथी बार ये जवाब दिया है। आपने चौथी बार बताया कि आपको सत्ता का मोह नहीं है। मैं पांचवी बार दोहरा रहा हूं अपना सवाल। मेरा सवाल यह नहीं है कि आपको सत्ता का मोह है या नहीं, मेरा सवाल यह है कि अगर जिनकी जिम्मेदारी है वो इतने नाकाबिल है तो आपका सपोर्ट उनको क्यों है? सवाल मेरा यह है। देखिए, जो सपोर्ट है तो हम विपक्ष में क्यों बैठे हैं बीएमसी में, मुझे बताएं। जो हम सपोर्ट कर रहे हैं तो फॉल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों जेल गए हैं, आप मुझे बताएं। जो आपको यही सवाल पूछना है कि मुंबई जैसे शहर में ऐसे हादसे कैसे होते हैं, तो होता है, एक ही सवाल का जवाब है, भ्रष्टाचार और प्रशासन और शासन जो कल्यूजन में लोगों को फॉल्टी परमिशन देते हैं, जो उनको एक मौका मिलता है पैसा बनाने, और जो गुनहगार की बात आप करते हैं वो आते हुए दिन में आपको पता चलेगा एफआईआर के मिनट की कौन कौन गए हैं जेल के पीछे और कौन कौन है चार इन 15 मौत के लिए। ठीक है, ठीक है। श्रीराम जी, जब भी इस तरह के हादसे होते हैं और जिस तरह के स्टेटमेंट पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से आते हैं, इस बार भी कुछ अलग नहीं दिख रहा है, तो एक आम आदमी के सामने क्या यही ऑप्शन है क्या कि उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाए, चार गुना कीमत पर सामान खरीदे, लेकिन उसकी जिंदगी वहां पर महफूज है या नहीं, इसकी गारंटी और जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं? देखिए, जब हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी निभाने में आनाकानी करें और अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालें और तूतू में समय बिता दें, तो हर आदमी को अपने जान और माल की सुरक्षा स्वयं उठाने के लिए खड़ा तैयार रहना पड़ेगा। आप इन लोगों के भरोसे रहोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वोट इनको चाहिए और जिम्मेदारी के समय अपने भागते हैं कैमरे से। जो इसलिए आप जब भी जाए किसी रेस्टोरेंट में, आप देख लें कि भैया यहां बैठना ठीक है, सुरक्षित है, नहीं है। पूछ रहे मैनेजर से, भैया कुछ हादसा हो गया तो कहां से भागेंगे बाहर, तुम्हारे पास फायर सेफ्टी है या नहीं है, ये दो तीन सवाल स्वयं पूछें। क्योंकि आप कॉरपोरेशन और सरकार के मुलाजिमों के जिम्मे रहेंगे, वो तो पैसे लेके अपना काम खत्म कर देंगे, जान फंसेगी आपकी। तो भैया, आज के जमाने में अच्छे दिन आ गए हैं, जान और माल की सुरक्षा आप स्वयं करें, यही बात सुनने में आ रही है। डॉक्टर अंजलि, ये हादसा आखिरी हो ऐसी हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्लेम नहीं कर सकते कि ये हादसा आखिरी नहीं आखिरी होगा और देश में कहीं और इस तरह के हादसे नहीं दोहराए जाएंगे। क्या तरीका है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, खास तौर पर ये मेरे पास क्या वो तरीका है जिससे हम ये अश्योर कर सके कि इस तरह की घटनाएं बंद ना हो लेकिन बिल्कुल कम हो जाए? देखिए, आप सब जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ा कारण, इलियास जी रुकिए, ये सवाल अंजलि जी से था। साथ में ये भी ना भूलें कि आगे जो हमारी न्याय मशीनरी है जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनको सख्त सजा मिलेगी, इससे ये भी उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार है। हम दिल्ली में जो 1997 में उपहार सिनेमा में जो आग लगी थी, आज 20 साल हो गए,
कितना लंबा केस चला और उसको सब लाइसेंस मिलते हुए भी उसने इतनी गलतियां की हुई थी, तो ये जनता ही है जो सह रही है। हम जनता को ही आगे कुछ बढ़कर करना पड़ेगा। हम गलत अगर अपने कैंडिडेट चुनेंगे तो हम ही भुगतेंगे। तो इसलिए जनता की जागरूकता के लिए एक मीडिया का भी दायित्व रहेगा कि ऐसे प्रोग्राम और ऐसी डिस्कशंस को जारी रखें, क्योंकि जनता बहुत जल्दी भूल जाती है और अपनी सुरक्षा जैसे कह रहे हैं कर रहा है, ये भी मजाक नहीं है। हमारा अपना दायित्व होता है इसमें। और हम जब इलेक्शन के टाइम जब वोट करते हैं, मैं इस बार जब इलेक्शन हुए थे सब पार्टी के पास गई कि आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोई जानमाल की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप पानी बिजली मुफ्त की बातें कर रहे हैं सिर्फ, आप ये क्यों नहीं बात करते कि हम जनता के लिए एक बेहतर सिस्टम करेंगे। मगर किसी पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं जनता इस चीज की उम्मीद ही नहीं करती हमसे। जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ चीजें जो बहुत साफ साफ है कि जो 15 लोग मरे हैं ये आग में जल के नहीं मरे हैं, ये भ्रष्टाचार की आग में जलकर मरे हैं। और लोग कितना भी अपनी अपनी राजनीति को अपने सहूलियत के हिसाब से चलाने के लिए एक दूसरे पर दोष डाल दें, लेकिन सच ये है कि फिर चाहे वो राज्य में सरकार हो या नगर पालिका के मेयर हो, सिस्टम, पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है, ये तमाम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। नमस्कार।